ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जापते कि इससे क्या फायदे होते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर मंत्र जाप करते हैं तो उसका फर्क आपके जीवन पे क्या पड़ता है। ये धीरे धीरे वैसी प्रक्रिया है कि धीरे धीरे आप एक निश्चित स्थान पे कुछ ना कुछ खजाना छोड़े जा रहे हैं, वहाँ डाले जा रहे हैं। एक ऐसी चीज होती है, आप मान के चलिए कि आपके जीवन में धीरे धीरे कुछ दिव्य शक्तियों का प्रसार होने लगेगा। धीरे 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 होगा, मगर ये आप ऐसा ना समझे कि अचानक आप में कुछ अचानक बदलाव होगा। अचानक बदलाव होगा मगर वो आपको थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा। अब देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको कुछ ना कुछ दिव्यता मिलती है, कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ मिलती है इस ब्रह्म मुहूर्त में, क्या कहा गया है? देखिए सर्वप्रथम क्या होता है कि मनुष्य जब भी मंत्र जाप करता है अपने जीवन में, तो और एक समय में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मंत्र जाप करता है तो उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए कि आपको आपके स्वास्थ्य में बहुत ऐसा लगेगा, आपका स्वास्थ्य अब पहले से बहुत अच्छा बेहतरीन हो गया है, यानी आप बहुत अच्छा फील करने लग गए। यानी आप मंत्र जाप करते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं मैं बहुत ही तंदुरुस्त हो गया हूँ। यह आपको बेहद ही अच्छे और सरल रूप में पता चल जाएगा जब भी आप इस मंत्र जाप करने लगे। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, यह आप मान के चलिए कि दूसरा आप मानते हैं कि ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके भीतरी ऊर्जा है जिसको बढ़ाने लग जाता है मंत्र जाप। आपके जो सोचने समझने की जो काबिलियत होती है वो बहुत ही अच्छी कर देता है, यानी शार्प कर देता है, शार्प माइंड हो जाता है आपका। यानी किसी चीज को याद रखना हो तो आप मंत्र जाप करने लग जाइए, एकांत होने लग जाइए, धीरे धीरे माइंड आपका शार्प होने लग जाएगा, माइंड आपका धीरे धीरे शार्प होगा। उसी के साथ सही फैसले करना आप सहज समय पर सीख जाएंगे, यानी सही फैसले करना और सही फैसले लेना, किस परिस्थिति में किस तरह का फैसला लेना है वे आप बेहतरीन रूप से जान पाएंगे अगर आप मंत्र जाप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी मंत्र जाप, देखिए ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑफिस जाते हैं वो क्या करें। देखिए ऑफिस आप तो जाते हैं, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन बिता रहा है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन आप अपने लिए स्वयं के लिए थोड़ा सा ऐसा समय निकालें जो अपने आत्म मंथन के लिए, अपने आत्म सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। यानी वे निकाले ही निकाले, इससे आपको बेहद फायदा होगा, क्योंकि ये आपका ये ऐसी इनकम है जो आप अपने रिजर्व में रख रहे हैं, ये आपके आने वाले समय के लिए रिजर्व इनकम है, ये कहीं ना कहीं आपको काम देगी आगे चलकर, ठीक है। उसी के साथ क्या होता है कि आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, अगर मंत्र जाप आप निरंतर कर रहे हैं तो आत्मबल बढ़ाता है ये निरंतर, धीरे धीरे आत्मनिर्भर सोचने समझने की काबिलियत आपकी बेहतर रूप से कर देता है, ये तो आपको पता है। देखिए मंत्र जाप में इतनी दिव्यता पाई जाती है प्रेमी भक्तों, कि आप जो धारणा लेके बैठते हैं मंत्र जाप करते हैं उस समय, तो उस समय क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि आप जो चीज़ मांगने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे कि मुझको आप संकल्प करके ध्यान करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं, मुझे थोड़े ही समय में अच्छी जॉब चाहिए, या फिर थोड़े ही समय में मेरी अच्छा विवाह हो जाए, या किसी भी तरह की आपकी जो सांसारिक खुशियाँ हैं, या फिर उसके लिए अलौकिक शक्तियाँ पाने की कोई इच्छा है, प्रभु दर्शन की लालसा है, तो आप वे रखते हैं फिर बाद में ध्यान करने लगते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि उसके बिना आपका फल आपको मिलेगा नहीं, यानी मिलेगा यानी आपको मिल तो जाता है, मगर आपको कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ता है प्रभु कि मुझे आपके दर्शन चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे करके संकल्प लेके फिर ध्यान करता है, तो अब देखिए आपको वे कुछ ना कुछ प्रभु आपको देता ही है, केवल वो एक चीज़ नहीं देता, आप ध्यान रखें आपने जो मांगा उतना ही नहीं देता, उसके अलावा भी आपको कई चीज़ें मिलती है, उसके अलावा भी कई चीज़ें मिलती है। धीरे 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 आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो क्या होता है, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होंगे, ये मान के चलिए कुछ ना कुछ बदलाव होने लगेंगे धीरे, समय के अनुसार धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, जो आपकी लाइफ आपको छोटे छोटे मेजर से बदलाव होने लगेंगे, मगर आपको अचानक सामने नहीं दिखेंगे कि ये तो
जैसे जैसे आप आगे दिन टाइम निकालते रहेंगे अपने लिए, तो आप ये मान के चलिए आप में ऐसे ऐसे बदलाव होने लगेंगे जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होने लगेगा। यानी आप अगर आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, तो मान के चलिए आपको प्रभु धीरे धीरे कहीं ना कहीं रुपयों का, पैसों का बंदोबस्त करेगा, या फिर आप उनके आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति करेगा, उसमें थोड़ा बदलाव करेगा, आपको प्रमोशन होगा किसी ना किसी रूप में, यानी धन की आवक आपकी अच्छी तरह से होने लग जाएगी, ये मान के चलिए। दूसरी ओर आपके परिवार में अगर आपके परिवार में ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, माता पिता बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ, और अभी तो ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है मेरे हिसाब से कि कोई ना कोई बीमार रहता है ये घर में, तो इसका, इस शक्ति का प्रभाव, इस मंत्र जाप का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। धीरे 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 आपको मंत्र जाप करना है, धीरे धीरे क्या होता है कि बीमारियाँ आपके घर से दूर भागेगी, कुछ ना कुछ आप ऐसा स्त्रोत ढूंढ निकाले कि आपके घर में किसी प्रकार की, यानी ऐसे बीमारियां नहीं रहेगी, यानी मंत्र जाप। आप अगर सुबह सुबह मंत्र भी चला देते हैं आपके घर में, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय का हो गया, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो सुबह सुबह वातावरण में घुलना जरूरी है। आप हल्की आवाज कर लें और सुबह आप उसको चलाए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, उससे उसके पश्चात थोड़ा सा उजाला होने लग जाए, तब आप हल्की सी आवाज में उसे चलाए, चारों तरफ घर के अंदर बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाएगा। दूसरा कि मन को आपको शांति मिलेगी, मन को आपको बेहद ही अच्छी शांति मिलेगी, मान के चलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंत्र जाप आप कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी सहन शक्ति, धैर्य शक्ति को वे बढ़ाता है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे धीरे। आप में ब्रह्मचारी नहीं है, आप ब्रह्मचारी धारण करते नहीं है, तो आपको ये आप स्वयं धारण करने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मगर आप ब्रह्मचारी का पालन स्वतः ही करने लग जाएंगे आराम से। अब आपको स्वयं में दिव्यता आने लगेगी, ये मान के चलिए, स्वयं में शक्तियाँ आने लगेगी, कुछ ना कुछ प्रकार की ऐसी शक्तियाँ आएगी आप में जो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ प्रतीत होगा ऐसा कि हाँ प्रभु है मेरे साथ, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जगह मेरा सहयोग जरूर करते, क्योंकि आपके काम बनने लग जाते हैं, यानी बिगड़ा हुआ काम आपके तुरंत बन जाता, आपको विश्वास तनिक नहीं होता कि आभास भी नहीं होने देता प्रभु कि आपका वह काम बन चुका है, और आप में इतनी पावरफुल शक्तियां आपके भीतर रहेगी मंत्र जाप के कारण, आपका और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बेहद ही फायदे हैं। प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट करें और लाइक शेयर करें हमारे चैनल आत्मा का सफर। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः भक्ते वासुदेवाय।